तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ग्लोबल मार्केट से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है रशिया की तरफ से। ठीक 13 मिनट पहले ये न्यूज निकल कर आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं रशिया गैज़प्रॉम टू शट गैस पाइपलाइन टू यूरोप फॉर 3 डेज। तो अगले 3 दिन के लिए रशिया ने जो गैस पाइपलाइन थी यूरोप की, उसे पूरी तरीके से शटडाउन कर दिया है, पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अभी तक इसके खाली हमें थ्रेट देखने को मिल रहे थे, लेकिन फाइनली ये काफी बड़ी अपडेट्स हमें रशिया की तरफ से आते हुए देखने को मिल रही है। और अल्टीमेटली ये अब रशिया और यूक्रेन की वॉर में एक नया कंसर्न क्रिएट कर रही है। वहीं एक और अपडेट हमें देखने को मिल रही है आज ही के दिन, जहां पर रशिया इश्यू फ्रेश न्यूक्लियर प्लांट वार्निंग। तो यहां पर अल्टीमेटली रशिया पीछे नहीं हट रहा है, यूक्रेन की वॉर अब और ज्यादा अग्रेसिव हमें होते हुए देखने को मिल रही है। अभी मार्केट पूरी तरीके से बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन अगर यहां पर कोई नेगेटिव न्यूज निकल कर आती है या फिर रशिया की तरफ से कोई नेगेटिव इंपैक्ट यूक्रेन के ऊपर उठाया जाता है, तो अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट सिर्फ रशिया और यूक्रेन पर या सिर्फ यूएस के मार्केट पर नहीं होगा, बल्कि इंडिया के मार्केट को भी उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। तो अगर मार्केट में गिरावट होती है तो किन ब्लू चिप स्टॉक्स को आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईवी सेगमेंट के बारे में, क्योंकि अगर फ्यूचर कहीं पर है तो ईवी सेगमेंट में ही देखने को मिल रहा है। ईवी में ही सबसे ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो ईवी सेगमेंट में अगर सबसे पहली कंपनी को यहां पर कवर करें तो सबसे पहली कंपनी का नाम है सोना BLW प्रिसिशन फॉरेन लिमिटेड, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.5% की तेजी आपको इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन इस कंपनी ने मैक्सिमम ईयर्स में 42% से भी ज्यादा के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं, और ये कंपनी कैपेबल भी है काफी मल्टी बिगर रिटर्न आपको बनाकर देने के लिए। तो अगर 500 रुपए की रेंज में अगर आपको ये शेयर मिलता है तो यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। वही अगर ईवी की बात कर रहे हैं तो एक और कंपनी को यहां पर मैं एड ऑन करना चाहूंगा, जिसका नाम है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। मैक्सिमम ईयर्स में कंपनी 28,000% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। इसकी फेस वैल्यू अभी हमें 10 रुपए पर देखने को मिलती है। टाटा एलेक्सी की जो एनुअल जनरल मीटिंग और साथ ही साथ जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होने वाली है, उसमें कंपनी डिविडेंड के साथ साथ स्प्लिट या फिर बोनस को लेकर भी अनाउंसमेंट कर सकती है। तो यदि आप टाटा एलेक्सी के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं तो इस शेयर्स के ऊपर भी आप नजर बनाए रख सकते हैं। बात कर लेते हैं एक और शेयर के बारे में, जहां पर आपको काफी अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, जिसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। मैक्सिमम ईयर्स में इस कंपनी ने भी 400% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं, और बहुत ही सही रेंज में ये शेयर हमें देखने को मिल रहा है। 600 रुपए के रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए यहां पर भी आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो कंटिन्यू करते हैं और बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जहां पर अगर आप खरीदारी का मौका ढूंढ रहे हैं तो एफएल इंडिया लिमिटेड पर आप हाथ आजमा सकते हैं। जी हां दोस्तों, एफएल इंडिया लिमिटेड, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको 1.5 से 2.5% की तेजी इस शेयर्स के अंदर देखने को मिल रही है। रिसेंटली एफएल इंडिया लिमिटेड को लेकर एक नहीं बल्कि 2 पॉजिटिव अपडेट्स भी हमें लास्ट वीक्स में देखने को मिल चुकी है, जहां पर फोन पे का डिस्प्यूट भी कंपनी का पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और साथ ही साथ एफएल इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल नंबर्स भी हमें काफी अच्छे देखने को मिल चुके हैं। तो यदि आप इस शेयर्स के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं तो 1500 रुपए तक के टारगेट आप इस शेयर्स के अंदर लेकर चल सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में, जिसका नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.25% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लेकिन ये शेयर भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर आप पिछले 2 साल की हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर ग्रोथ उठाकर देखेंगे तो वो अनप्रिडिक्टेबल रही है। बहुत ही तेजी से हमारे इंडिया के अंदर जो डीमैट्स अकाउंट है वो ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और उसका अल्टीमेटली बेनिफिट CDSL को ही मिल रहा है। वहीं IPO का सीजन भी आना स्टार्ट हो चुका है, IPO अगेन आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट CDSL को भी IPO का मिल रहा है। और साथ ही साथ एक और ब्रोकर फर्म की बात करूंगा मैं, एंजल वन लिमिटेड, जहां पर मैक्सिमम ईयर्स में तो अभी कंपनी सिर्फ हमें 6% के मुनाफे में देखने को मिल रही है, लेकिन इस कंपनी ने भी अपने इन्वेस्टर्स को कभी निराश नहीं किया है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहां पर बनाकर दिए हैं। डिविडेंड के मामले में भी कंपनी काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलती है। तो अगर आप यहां पर खरीदारी करना चाहते हैं तो एंजल वन के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहां पर भी आप लगभग 1700 रुपए तक के टारगेट विद इन अ वन ईयर एंजल वन लिमिटेड के अंदर भी लेकर चल सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर करके हमें अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में, जिसका नाम है IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, जहां पर लास्ट वीक बहुत ही शानदार आए। पिछले एक महीने में 19% से भी ज़्यादा की तेज़ी हमें IRCTC के अंदर देखने को मिल चुकी है। वहीं अगर लास्ट ट्रेडिंग की बात करी जाए तो 2% से भी ज़्यादा की तेज़ी हमें IRCTC की शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। वहीं IRCTC जो यहाँ पर रिसेंटली 1,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जनरेट करने वाली है अपने डाटा को बेचकर, तो उससे भी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और उसकी बिड भी यहाँ पर कंपनी की अगस्त मंथ के एंड से स्टार्ट होते हुए हमें देखने को मिलेगी। तो अल्टीमेटली अगर आपने IRCTC के अंदर भी खरीदारी कर रखी है तो 1,000 रुपये तक के टारगेट इस शेयर के अंदर भी आप लेकर चल सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, जहां पर लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो के कुछ स्टॉक्स आपके साथ शेयर करे थे। वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के अंदर मैंने भी पर्सनली इन्वेस्टमेंट कर रखा है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी मुझे वहाँ पर हो रहा है। आप भी अगर इस शेयर्स के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं तो अभी काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर ये शेयर्स आपको देखने को मिल रहा है, तो पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के अंदर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। विद इन अ 1 ईयर 3,000 रुपये तक के टारगेट आप पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के अंदर लेकर चल सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स नंबर्स भी हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। वही बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड। डी मार्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। पर्सनली मैंने भी इस शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 52 वीक के लॉस है यहाँ पर मैंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मेरे को भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर SIP करते हुए आप चल सकते हैं। मैक्सिमम ईयर्स में कंपनी ने 609% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर्स की तरफ, जिसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जहां पर मैक्सिमम ईयर्स में कंपनी ने 650% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। और सॉफ्ट ड्रिंक जो कि इंडिया ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर बहुत तेज़ी से कंजम हो रही है, वहीं वरुण बेवरेजेस लिमिटेड को उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। इंडिया के अंदर जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज है उसको वरुण बेवरेजेस लिमिटेड ही ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ पर भी अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो 1,000 रुपये का लेवल्स बहुत सही लेवल्स है, जहाँ पर आप बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए इस शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करते हुए चल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर्स की तरफ, जिसका नाम है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, HFL की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मैक्सिमम ईयर्स में कंपनी ने 41,885% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। और अगर हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड की बात करी जाए तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिली है। वहीं MTR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अंदर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। मैक्सिमम ईयर्स में इस कंपनी ने भी 57% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। और यहाँ पर भी लगभग 2,000 रुपये तक के टारगेट यहां पर लगाए जा रहे हैं, तो 1,490 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए MTR टेक्नोलॉजीज के अंदर भी आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं लास्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही कंपनी का IPO आते हुए हमें देखने को मिला था। मैक्सिमम ईयर्स में कंपनी ने 67% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं और एक बहुत ही सही प्राइस पर यह शेयर आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर भी आप बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं।